नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिगिनर्स कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग कैसे करें और किस में करें, क्योंकि गाइस एक ट्रस्टेड ब्रोकर का होना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग क्या होती है और पैसा कैसे कमाया जाता है ट्रेडिंग से। आपके हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। जो भी नए लोग हैं शेयर मार्केट में, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन सुने होंगे, यार वो ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहा है या वो ट्रेडिंग से लूज़ कर रहा है, तो आखिर वो लूज़ क्यों करते हैं, ट्रेडिंग से किस प्रकार से कमाने हैं, कैसे स्टार्ट करनी होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। गाइस ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, यानी कि किसी भी चीज़ को खरीद कर बेचना। वहाँ पे हमें प्रॉफिट कैसे होगा, तो किसी भी वस्तु या किसी भी शेयर को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। देखो व्यापार हम किसी में भी करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सब शेयर मार्केट में कर सकते हो, ट्रेडिंग आप फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट कौन सा है, जो कि हमारा डॉलर USD वगैरह, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। और भी अगर आप सोने के अंदर कर सकते हो, सिल्वर के अंदर कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट क्रूड ऑयल में, या फिर आप MCDCX में जो कि हमारे कपास है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, आप चाहो जिसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये पे खरीद कर 150 रुपये में बेची है, तो वो आपकी हुई ट्रेडिंग। अब उसमें प्रॉफिट कैसे हुआ, तो मान लिया आपने 100 पे खरीदी थी, 50 रुपये एक्स्ट्रा में आपने बेची, तो वो जो 50 रुपये हैं वो आपका प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यही चीज़ आपने 10,000 में खरीद कर 15 में बेची होती, तो 5,000 का प्रॉफिट होता। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है और घट सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खरीदी है 100 में, और उसका भाव अगर 150 आगे आपको नहीं मिल पा रहा है, वह चीज़ आपको मान लीजिए कि 80 रुपये में या फिर 50 रुपये में बिक्री, तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में पैसा ही पैसा है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी आपको रखना पड़ता है कि यार मैं कैसे अपनी रिस्क को मैनेज करूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं, तो मेरी कुछ ट्रेड है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, और वो कौन सी ट्रेड है वो आपको मेरे को बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये रेणुका शुगर्स का स्टॉक था जो कि मैंने कुछ दिन पहले बाय किया था, ठीक है। और ये अपस्टॉक्स जो ब्रोकर हैं जिसमें कि मैं शेयर को ख़रीदता हूँ बेचता हूँ, और इसमें टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ एनालिसिस आ चुकी है और GTT ऑर्डर मिल जाता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। अपस्टॉक्स को आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उससे ओपन कर सकते हो। मेरे लिंक से अगर आप ओपन करते हो गाइज, तो आपको मेरा जो पेड कोर्स है जिसमें कि चार्ट वगैरह कैसे बनते हैं वो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स मेरा मिल जाएगा। उस कोर्स से आप सीख सकते हो कि कहाँ पे हमें शेयर को ख़रीदना है, कहाँ पे हमें बेचना है, कितना कैसे प्रॉफिट बनाना है, वो सब कुछ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए मैंने रेणुका शुगर के स्टॉक को 52 रुपये के आसपास बाय किया था, और 1189 क्वान्टिटी। अगर मैं पैसे की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 63,000 रुपये लगाए थे। मेरा इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या था दोस्तों, तो 48 के आसपास मेरा इसमें स्टॉप लॉस था, जो कि यहाँ पे 2-4 रुपये के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि लगभग 4.5% का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, जो कि 2800 रुपये का था, ठीक है। ठीक उसके 4 से 5 दिन बाद देखते हैं जिसका ये है, 4 से 5 दिन बाद का ये स्टेटमेंट है। देखिए यही रेणुका शुगर का स्टॉक है, जो कि क्वांटिटी भी 1189 है, और ये 1189 क्वांटिटी मैंने बेच दी है। कौन सी प्राइस पे बेची थी, तो मैंने यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा रखा था, 60 रुपये के आसपास मेरा GTT ऑर्डर था। और 60 रुपये GTT ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ गाइस। इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी शेयर है आप उसको खरीदना चाहते हो 100 रुपये पे, और उसकी प्राइस चल रही है शायद मान लीजिए आप 90 या 101 रुपये चल रही है, तो वो जब भी 100 रुपये पे आएगा बाय हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस और टारगेट भी होता है, जैसे कि आपको कितना लॉस ले सकते हो आप, कितना प्रॉफिट आपको बनाना है, ठीक है। तो मेरा इसमें 4 गुना 3 गुना मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए मेरे को 4% 5% का लॉस डिसाइड कर रखा था मैंने, 5% के आसपास मेरा यहाँ पे लॉस, उसके 3 गुना मेरा प्रॉफिट, तो लगभग देखिए कि 14.86 यानी कि 15% के आसपास मेरे को प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि 62,000 रुपये से 62,000 रुपये मैंने लगाए, और वहाँ पे 9,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो गया। और जब 9,000 का 9,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया, सिंपल है। तो इस ऑर्डर की मदद से आप तीनों काम एक साथ कर सकते हो, एक ही ऑर्डर में जब भी आपका टारगेट आया ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस आएगा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, जैसे कि बार बार आपको किसी शेयर को ट्रैक करने की या देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, शेयर इंडिया का भी मैंने खरीदा था 56,000 रुपये का। इसमें मैंने शेयर खरीदे थे 1125 की प्राइस पे, 50 क्वांटिटी थी, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 1305 रुपये, तो 9,000 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट था और लगभग 16% के आसपास। पर देखिए, मैंने इसमें एग्जिट नहीं किया था। एग्जिट क्यों नहीं किया, इसका रीज़न और है मेरा, क्योंकि मैं इसमें कुछ बड़ा और टारगेट प्लान कर रहा था। लगभग 20 से 22% का मेरा टारगेट था, जो कि यहाँ पे देखिए वापस 12% आ चुका है। ठीक है, आपको टाइम से प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, पर मैं इसमें अच्छा, मेरे को बुलिश लग रहा है, तो मैं अभी भी होल्ड कर रखा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मेरा यहाँ पे 20 से 22% बनेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 100% यूँ प्रॉफिट ही बनाओगे, आपको 10 में से 1-2 ट्रेड लूज भी हो सकते हैं। पहले आपको प्रॉपर सीखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, या आप धीरे धीरे कम पैसों से स्टार्ट करो, प्रॉफिट बन रहा है तो धीरे धीरे आप पैसे मल्टीप्लाई आगे बढ़ा सकते हैं उसमें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। और उससे पहले गाइज, अब अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कर दो दोस्तों लाइक शेयर के समय में। कंजूसी मत करो गाइज, क्योंकि इतने ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ, और फिर मैं कंजूसी करूँ तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक शेयर का बटन और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला ट्रेडिंग का प्रकार होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि किसी भी शेयर को अगर आपने एक ही दिन में खरीदा या बेचा, तो वो आपकी इंट्राडे हो गई है। ठीक है, मार्केट कितने बजे ओपन होता है, 9:15 बजे से 9:15 बजे से 3:30 पे। तो मान लीजिए मैं मॉर्निंग में उठा, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:16 पे मैंने शेयर खरीदे, 9:17 पे बेच दिया, तो वो क्या है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग है। और मेरे को लग रहा है यार, इसमें मेरे को वेट करना पड़ सकता है, और 3:15 या 10 मिनट हो चुके हैं, तो फिर मेरे को वहाँ पे एग्जिट करना है। और उसमें अगर मैंने एग्जिट नहीं किया, तो फिर मेरा जो ब्रोकर है वो मेरे को ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा, क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, डिलीवरी के अंदर आप ट्रेड लेके कभी भी रख सकते हो अपने पास, जब चाहो बेच सकते हो। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जल्दी से जब भी प्रॉफिट हो निकलना होता है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, 1 से 2% का आपको टारगेट होना चाहिए, रिस्क मिनिमाइज होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि आपने कोई भी शेयर खरीदा है, तो उसमें आपका अगर टारगेट 1,000 रुपये का है कि हम 1,000 बनाएंगे, तो वहाँ पे 200-300 रुपये आपको रिस्क रखनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई किया है, और अगर ये नीचे आ गया तो 200 का लॉस हुआ, आपको एग्जिट कर देना है। प्रॉफिट हुआ तो 1,000 रुपये या 500 रुपये, ऐसा भी आप रख सकते हो अपने सो आपको क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट्राडे में एक और फायदा है गाइस, मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो मेरे पास मान लीजिए 1,00,000 रुपये हैं, तो वहाँ पे मैं 1,00,000 रुपये के 3 गुना 4 गुना पैसे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं 1,00,000 के अगर मैं कोई शेयर बाय करता हूँ, तो इंट्राडे ऑर्डर अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वहाँ पे मैं 1,00,000 में 4,00,000 के शेयर भी खरीद सकता हूँ। ये मेरे को प्रॉफिट हो जाता है इसका। ठीक है, पर इसमें एनालिसिस सही होनी चाहिए। अगर आपके पास 10,000 है, तो आप 10,000 से 50,000 के शेयर भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको एग्जिट उसी दिन करना होगा। प्रॉफिट होगा वो आपको 50,000 के अकॉर्डिंग होगा, लॉस होगा वो 50,000 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर आप सही से यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त पैसा भी बना सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग का भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जल्दी से जाइए उसको देख लीजिए। इंट्राडे में आपको कैसे मार्जिन मिलेगा, कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है, और ब्रोकर खुद भी आपको पैसा देता है तो वो कैसे देता है, उसका भी वीडियो वही है मार्जिन ट्रेडिंग में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, कुछ मिनटों में शेयर को बाय कर या सेल कर देना। जैसे कि कोई भी शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपये, ठीक है, और मैंने 100 रुपये में मान लीजिए कि 1,000 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, 1,000 शेयर को मैंने बाय कर लिए। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही इस शेयर की प्राइस मान लो कि 2 रुपये बढ़ी है, ठीक है, 100 रुपये की प्राइस 2 रुपये बढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे को एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 1,000 के ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से स्कैल्पिंग की जाती है, जहाँ पे भी छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 कैंडल में प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दो। यहाँ पे वापस शेयर आया, तो इस जगह पे बाय किया, कुछ थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ पे एग्जिट कर दो। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, तो मान लीजिए मैं ना इसमें 100 रुपये पर खरीदा, अगर ये 99 पे जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो मेरे को लॉस कितना होगा, 1,000 रुपये का। टारगेट कितना है, 2,000 का। तो इस प्रकार से कुछ मिनटों के अंदर शेयर को खरीद कर बेच दिया जाता है। और इस प्रकार से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पैसा बना सकते हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट है गाइस BTST, यानी कि आज खरीदो कल बेचो, ठीक है। कैसे? BTST लगभग हमेशा है ना, लगभग 12 बजे 2 बजे के बाद की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उस वक्त किसी भी शेयर का मोमेंटम हमें कैच हो जाता है कि यार कल के दिन ये भाग सकता है नहीं भाग सकता है। जैसे कि यहाँ पे गाइस कुछ दिन पहले मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाओ, मैंने आपको दिया था RVNCON शेयर को, ठीक है। इसमें लगभग एक ही दिन में 20% की तेजी थी और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ चुकी थी और ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, ठीक है। अगर आप देखो तो शेयर में एनालिसिस में जाओगे, आपकी एनालिसिस कैसे करते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार ब्रेकआउट हुआ है, हमें भी बाई करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब कैसे कहाँ पे बाई करना है वो सब कुछ सीखने के लिए आपको मेरा आप स्टॉक्स अकाउंट मेरे लिंक से ओपन करना है, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो पेड कोर्स है उसमें ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने बाई किया था गाइस, और दूसरे ही दिन 29% का जो टारगेट था वो मेरा हिट हो चुका था और लगभग इसमें 18 से 19% का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। अभी देखिए BTST में भी इतना हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक देखो कभी वॉल्यूम मोमेंटम में था, ठीक है। तो BTST में इतना बड़ा टारगेट नहीं होता है, BTST में भी 1 से 2% का टारगेट होता है। कल यार मान लो 100 रुपये पे चल रहा है शेयर, मेरे को लग रहा है इसमें तेजी है तो मैंने इसको बाई कर दिया। मॉर्निंग में क्या होता, 9:15 पे अगर ये शेयर ओपन हुआ है, ठीक है, 103 रुपये के आसपास, तो मेरे को 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो या तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, मेरे को लग रहा है और बुलिश हो सकता है, तो मैं यहाँ वेट करूँगा और जैसे ही 105 रुपये गया मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो एक मोमेंटम होता है ना, जैसे कि अभी कोई गाड़ी चल रही है तो उसको हमने धक्का दे दिया है तो वो आगे जाने के चांस ज़्यादा है ना कि पीछे आने के। तो इस प्रकार मोमेंटम में बैठे रहकर मोमेंटम कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के दिन खरीदा, मॉर्निंग में बेच दिया BTST है, कल के दिन बेचा इसको ही BTST, ठीक है। बुक नेक्स्ट डे 9 बजे से 10 बजे के आसपास आप आज खरीदो, यानी कि 2 बजे बाद तो हमें खरीदना है, सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास हम बेच सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हमारा प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रकार BTST ट्रेडिंग की जाती है। नेक्स्ट है गाइस स्विंग ट्रेडिंग, रेणुका शुगर और शेयर इंडिया, इनके बारे में कमेंट करके बताइए मैंने कौन सी ट्रेडिंग की थी, ठीक है। चलिए स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग का मतलब होता है किसी भी मोमेंटम को कैप्चर करना छोटे टाइम का, या फिर इसमें छोटे टाइम का मतलब है कि इसमें समय तो लगता है। देखिए यहाँ से पुल बैक हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है या कोई भी स्विंग से निकलता है तो इसको स्विंग इसीलिए बोलते हैं कि एक मोमेंटम को कैप्चर करना होता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्विंग बोलते हैं। अब गाइस किसी भी शेयर को आप 3 दिन या 3 हफ्ते तक खरीद कर अपने पास रख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने इस शेयर को खरीदा है और मेरा टारगेट अगर 3 दिन में आ जाए तो भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ, अगर वही टारगेट 3 हफ्ते आता है तो भी मेरे को होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑफिस का काम करते हो या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप स्विंग ट्रेड आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है और मोमेंटम वाले शेयर को हमें कैच करना होता है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने देखिए आपको बताता हूँ, अभी जोमेटो का दिया था 2 दिन पहले, जोमेटो में हमने 63 रुपये के आसपास उसको बाई किया है, हाँ 63 के आसपास बाई किया है। अभी वो 10% अप है, ठीक है। जिस दिन बाई किया था उसके बाद दूसरे दिन 1-2% था, तीसरे दिन 2-3% था और कल 8% की तेजी थी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हम टोटल वहाँ पे 10% के आसपास प्रॉफिट में है अभी, और आपको नहीं लगता है तो आप जाके चेक कीजिए जोमेटो को और टेलीग्राम चैनल को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको वहाँ पे विश्वास हो जाएगा। 10% का प्रॉफिट है, पर इसमें मेरा टारगेट 75 रुपीज़ था तो मैंने होल्ड कर रखा है, और अगर 72 आता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करूँगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, अपने प्रॉफिट को कभी जाने नहीं देना है आपके पास। 63 में खरीदा है और वो शेयर अभी मान लीजिए कि 69 के आसपास आ चुका है, तो अब मैंने जो खरीदा है वो मेरी कॉस्ट तो सेव है, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, 67 के आसपास। तो अगर वो वापस अगर गिरना स्टार्ट कर देता है तो 67 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो 63 पे खरीद कर 3 से 4 रुपये का तो मेरे को प्रॉफिट वैसे ही हो गया, और ऊपर जाता है तो मैं 70 रुपये के आसपास वापस स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको सेफ्टी मिल जाती है। मान लीजिए इस शेयर को आपने खरीदा है तो आपने खरीदा यहाँ पे था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, इतना आ चुका है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, फिर वापस ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस प्रकार से क्या है कि एक मोमेंटम में बड़े रहकर बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है।
और स्विंग के अंदर किसी भी शेयर को 3 दिन या 3 हफ्ते तक आपने पास रखना होता है। 8 से 10% या 5% मिनिमम मान लीजिए, लगभग 5% आपका टारगेट होना चाहिए। और लॉस 3 से 4%, मतलब जितना आपका टारगेट हो उतना आप भी रख सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपये लगाए, तो मेरा इसमें टारगेट है कि यार मैं 10% प्रॉफिट बनाऊंगा, तो मेरी रिस्क इसमें 5% है। तो अगर मेरे को यहाँ पे मैं गलत निकलता हूँ तो मेरे को जो लॉस होगा वो होगा 5% का, यानी कि 5,000 रुपये का। अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो वो 10% का, तो मैं 10,000 का प्रॉफिट बनाऊंगा। इसी प्रकार से ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड प्लान की जाती है। अच्छे ब्रेकआउट्स पे जब शेयर में मोमेंटम होता है तब स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। और कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपको ऐसे मैंने अभी बताया था आपको एक चार्ट लिंक का, तो उसमें आप देखिए ऑटोमेटिक वो आपको बता देगा कौन से शेयर को अभी आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को सबको देखिए, सीखना है ना तो सब कुछ देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, ऐसे नहीं उनकी वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंड ऑफ द डे लास्ट ट्रेडिंग आती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब पोजिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मेरे को लग रहा है यार ये शेयर में आने वाले 1 या 2 महीने में तेज़ी हो सकती है या 3 महीने में हो जाएगी, उसके पीछे अलग अलग रीज़न है कि यार 3 महीने बाद किसी कंपनी का कुछ नया अनाउंसमेंट है या फिर कोई कंपनी नया अपना लॉन्च करने वाली है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सिंपल सी कि आने वाले 6 महीने 3 महीने 1 महीने कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो अभी मेरे को शेयर सस्ते मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि गाइस सबको नहीं पता है, ठीक है। अब जो एनालिसिस करते हैं, जो कुछ सीखते रहते हैं, बहुत सारों को पता होता है, पर सबको थोड़ा पता है क्या, सब कब आएंगे। तो मान लीजिए हमने किसी शेयर को इस जगह पे ख़रीदा, हमने वेट किया यार 2 महीने 3 महीने, जब भी हो, लंबी अवधि का व्यापार करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कुछ सालों तक भी रख सकते हैं हम। तो पोजिशनल ट्रेडिंग आमतौर पर एक लंबी अवधि का व्यापार है जिसमें अक्सर महीनों के लिए आयोजित किया जाता है। छोटी अवधि के मूल्य स्विंग की अनदेखी की जाती है, छोटी महीने मतलब कि यार ये 5% गिरा, 2% गिरा, 3%, ऐसे नहीं है। 2-3 महीनों में क्या हो रहा है वो है, क्योंकि 1 महीने में अगर आप देखो तो शेयर 1-2% गिरेगा, 2-3% ऊपर जाएगा, 1-2% गिरेगा, तो इस प्रकार से यूँ धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्विंग नहीं देखते हैं, देखते हैं कि महीने में क्या हो रहा है। तो 1 महीने में मान लीजिए कैंडल ग्रीन बनी, दूसरे महीने में 2-3% वापस धीरे धीरे तेजी बनी, तो ये चीज़ लोग नोटिस नहीं कर पाते। अभी आप जाके टाटा पावर को देखो ना, पिछले 1 साल में कितनी तेज़ी हुई वो जाके आप चेक कीजिए, ठीक है। 1 डे या 1 वीक की कैंडल लगा के, 1 वीक की कैंडल लगाइए, 1 हफ्ते में क्या क्या हुआ, या फिर मंथली लगाइए, सबसे ज़बरदस्त चीज़ दिखेगी, हर मंथ की कैंडल आपको तेज़ी में दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान किया जाता है कुछ महीनों कुछ हफ्तों के लिए। उसके बाद है ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये ट्रेडिंग इसे ही किया जाती है, ठीक है। ये सब कुछ ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम ट्रेडिंग कैसे करें और किस में करें। ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और उसी डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड शेयर को खरीद या बेच सकते हो। उसी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडिया का सबसे अच्छा ट्रस्टेड जो ब्रोकर है वो है अपस्टॉक्स, और गाइस मैं इसका ऑथराइज्ड पार्टनर भी हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप जाइए, जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। प्राइस एक्शन सीखनी है उसके लिए मैं आपको, अगर लिंक से ओपन करते हो तो मैं आपको मेरा जो पेड कोर्स है वो दे दूंगा, जो कि आप वहाँ पर चार्ट वगैरह सब कुछ सीख सकते हो। किसमें करनी है वो भी मैंने बता दिया, कैसे करनी है, अपस्टॉक्स को यूज़ कैसे करना है उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कैसे शेयर बाय करते हैं सेल करते हैं वो सब कुछ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इन किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता है तो आप सिर्फ अपस्टॉक को ओपन कर लीजिए और हमारे जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ स्विंग ट्रेड्स वगैरह, तो वहाँ पे उन स्विंग ट्रेड को आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप एजुकेशन पर्पज से उनको खरीद या बेच भी सकते हो, लेकिन ऑल कंटेंट इज द एजुकेशन पर्पज, आपको सिखाने के लिए ही है, ठीक है। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स एकेडमी चैनल को, ताकि आप शेयर मार्केट में एक नेक्स्ट लेवल की इम्प्रूवमेंट कर सको। तो आज का हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हमने सबसे पहले ये जाना था ट्रेडिंग क्या होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस में करनी है, और शेयर मार्केट फॉरेक्स मार्केट कमोडिटी जहाँ चाहो वहाँ ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, जो चाहे वो कर सकते हो। आप पैसा कमाना है सीखिए, बस सीखते रहिए, आराम से कमाइए,
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारों की हेल्प हो सकती है अगर आप लाइक या शेयर सब्सक्राइब करते हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तब तक के लिए ओके, आप देखिएगा वीडियो को।